संजय राउत जैसे मोहरे के पिट जाने के बाद अब उद्धव ठाकरे ने खुद कंगना रनौत मामले में अपनी टांग फंसा ली है। उद्धव ठाकरे ने बिना नाम लिए एक्ट्रेस कंगना रनौत पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कई लोग मुंबई आते हैं और नाम कमाते हैं, लेकिन वो लोग मुंबई का कर्ज तक नहीं चुकाते। उद्धव ठाकरे ने तंज कसते हुए कहा कि कुछ लोग उस शहर के प्रति कृतज्ञ नहीं हैं, जहां से वे अपना रोजगार काम धंधा शुरू करते हैं। विधानसभा में शोक प्रस्ताव पर बोलते हुए उद्धव ठाकरे ने किसी का नाम लिए बिना कहा कि कुछ लोग उस शहर के प्रति कृतज्ञ होते हैं जहां पर वे जीविकोपार्जन करते हैं, लेकिन कुछ लोग नहीं होते। ये टिप्पणी उन्होंने पूर्व शिवसेना विधायक और मंत्री अनिल राठौड़ को श्रद्धांजलि देते हुए कही, जिनकी मौत हाल ही में हुई थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि अनिल भैया राजस्थान से आए और महाराष्ट्र को अपना घर बनाया। वह कट्टर शिव सैनिक थे। दरअसल कई दिनों से कंगना रनौत बनाम शिवसेना का विवाद सुर्खियों में है। शिवसेना के नेता संजय राउत ने लगातार एक्ट्रेस कंगना रनौत पर हमले किए, साथ ही महाराष्ट्र में कंगना रनौत के खिलाफ प्रदर्शन भी हुए। कारण ये कि कंगना रनौत ने मुंबई की तुलना पाक अधिकृत कश्मीर यानी पीओके से कर दी थी, जिसके बाद मराठी मानुष की अस्मिता पर सवाल उठाने का आरोप उन पर लगाया गया। कंगना को केंद्र सरकार की तरफ से वाई प्लस श्रेणी की सुरक्षा दी गई, क्योंकि हिमाचल प्रदेश सरकार ने इसके लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय से सिफारिश की थी। ऐसा करने की वजह यह भी है कि कंगना ने कहा था कि मुंबई पुलिस पर उन्हें भरोसा नहीं है और वो किसी और से सुरक्षा चाहती हैं। दरअसल कंगना ने मुंबई के लिए कहा था कि ये पाक अधिकृत कश्मीर जैसा लगने लगा है और उन्हें मुंबई पुलिस से सुरक्षा नहीं बल्कि डर है। इसके बाद कंगना के खिलाफ महाराष्ट्र के गृह मंत्री ने कहा कि अगर कंगना को मुंबई में डर लगता है तो वो यहाँ न आए। वहीं शिवसेना नेता और सामना के संपादक संजय राउत बोले कि कंगना को इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। इस पर कंगना ने ऐलान किया कि वो 9 सितंबर को मुंबई आ रही हैं और किसी में हिम्मत है तो उन्हें रोक कर दिखाए। इस बीच महाराष्ट्र के राहत एवं पुनर्वास मंत्री विजय वडेट्टीवार ने केंद्र द्वारा कंगना रनौत को दी गई वाई प्लस सुरक्षा मुहैया कराने के फैसले को राजनीति से प्रेरित करार दिया। विजय ने कहा कि केंद्र का फैसला राजनीति से प्रेरित है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि कंगना भाजपा का तोता है। मंत्री ने कहा, कंगना को सुरक्षा देकर केंद्र और भाजपा ने मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र के खिलाफ की गई उनकी टिप्पणी का समर्थन किया है। वह राज्य के लोगों के साथ विश्वासघात है। रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।